नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुशल मीडिया। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोगों को जो तकलीफ होती है कि उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं होता है लेकिन फिर भी उनको बार बार जो है थकान महसूस होती है, उनको थोड़े से भी चलने पर उनकी सांस फूलती है, या देखा गया है कि उनकी कुछ भी थोड़ा सा वर्कआउट किया तो भी उनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दिल धड़कता रहता है, सीने में दर्द होता है, हाथों पैरों में उनके क्रैम्स पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो मजबूरियाँ है या ये जो कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है उसी के बारे में आज की वीडियो है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से कर दो लाइक और आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका रीज़न जो है वो है एनीमिया। ये कुछ डेफिनेट नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जो लक्षण है वो सेम नज़र आएंगे, लेकिन जो रीजंस बहुत पहले देखे गए थे उन्हीं के बेसिस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को, जिन लोगों को भी थकान रहती है, उनको एनीमिया की समस्या होती है। एनीमिया यानी कि हमारा जो खून बनता है उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। रेड ब्लड सेल्स जिनकी काम यही होता है कि जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में जिसको सर्कुलेट कर देना, ये उनका काम होता है। अगर उनकी संख्या कम हो जाए, रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाए, तो ये जो है उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा भी चलने से हमको जो है थकान लगनी शुरू हो जाती है, हमारे सांसें फूलने लगती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सिर चकरा जाता है, यहाँ तक कि किसी किसी को तो चक्कर भी आने की नौबत आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि बहुत से लोगों को थायराइड की समस्या होती है। थायराइड अभी हर बहुत से लोगों को थायराइड की समस्या जो है डायग्नोस होने लगी है। थायराइड की जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे गर्दन के सामने की तरफ मौजूद होती है। इसमें से जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गया तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेज़ हो जाता है, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अगर यही हार्मोन्स अगर थोड़ा सा कम रिलीज होना शुरू हो जाए तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जा सकता है। तो ये जो थायराइड की जो समस्या है वो किस किस को हो सकती है, तो थायराइड की जो समस्या है बहुत सारे लोगों को, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में, उन लोगों को होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका भी टेस्ट करना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करेंगे कि डायबिटीज़। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की समस्या तो है लेकिन उन्होंने अभी तक उनको डायग्नोस नहीं हुई है या उनको मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ की समस्या है। डायबिटीज़ मतलब कि हमारी जो बॉडी को चलाने वाला जो ईंधन होता है, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में ग्लूकोज कहा जाता है, यही ईंधन जो है हमारे पूरे बॉडी को चलाने का काम करता है। लेकिन टाइप 2 जिनको डायबिटीज़ होता है उन लोगों की बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा तो बनती है लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल ना होने के कारण वो जो है शुगर जो होती है वो उनके खून में मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उन्हें थकान लगना शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ जिन भी लोगों को होता है उनमें से बहुत से लोगों को ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उनको ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत ज़्यादा मूत्र विसर्जन करना पड़ता है जिनको, और एक बात करेंगे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान होती है। और डायबिटीज़ पेशेंट में एक कॉमन बात देखने को मिलती है कि उन लोगों की जो विजन होता है, जिसको हम देखना कहते हैं, नज़र होती है, वो बहुत थोड़ी बहुत धुंधली हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि डिप्रेशन। बहुत से लोगों को डिप्रेशन की समस्या है। बहुत से लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी डिप्रेशन की समस्या होती है। डिप्रेशन मतलब जिसपे एक इंसान ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसके कारण उसका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। अगर उसको डिप्रेशन की समस्या है तो उसका पूरा तरह से दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं करता। अगर दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो उसका पेट भी ठीक तरह से काम नहीं करेगा, जिसके कारण उसके शरीर में जो है न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। और कुछ रहन सहन ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है घर में रहना पसंद करते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है और एक तरह का हमेशा डर बना रहता है, जिसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो बहुत से लोगों को थकान होने की एक रीज़न भी ये भी होता है कि उनमें डिप्रेशन की जो है समस्या हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जिन लोगों को भी आर्थराइटिस या गठिया रोग होता है उनको भी ये समस्या बहुत आम होती है। आर्थराइटिस में बहुत से लोगों के जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है। जब भी आर्थराइटिस का अटैक जो होता है उनके जो जोड़ होते हैं उन पे और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उन पे अगर उसका अटैक हो जाता है तो वो बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत से लोगों को जो है थकान होती है आर्थराइटिस की समस्या होने पर या गठिया रोग होने के कारण उनको बहुत सारे थकान का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि शारीरिक कमजोरी। बहुत से लोगों को
अभी जो मैंने बताया जैसे डायबिटीज है, एनीमिया है, थायराइड है, ये सब समस्या तो नहीं होती, लेकिन उनके जो डाइट होता है वो ऐसा होता है जिसमें कोई न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं है, बस रोटी चावल दाल ये सब जो रोज़ाना खाते हैं, कोई किसी तरह का फ्रूट नहीं होता है, किसी तरह के सैलड नहीं होता है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, जो भी फल सब्जियां होती है वो उनके डाइट में नहीं होती है, जिसके कारण भी उनके बॉडी में जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाती है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको जो है थकान का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में कुछ छूट गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बैक करना ना भूले, और मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कुछ भी इनमें से आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसका इलाज करने के बजाय सीधा पहले आप डायग्नोस करो, बीमारी पकड़ लो और उसके बाद उस पर जो है ट्रीटमेंट करो, क्योंकि बीमारी पकड़ोगे, बीमारी पे इलाज करोगे तो बीमारी ठीक होगी, सिम्टम्स पे इलाज करोगे तो बीमारी कभी भी आपके पकड़ में नहीं आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।